प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18 साल बाद फिर से कमाल देखने को मिला। इंग्लैंड की काउंटी टीम क्ले मॉर्गन के बल्लेबाज सैम नॉर्थईस्ट ने नाबाद 410 रन बनाए। दुनिया के कुछ ही बल्लेबाज 400 रन के आंकड़े को पार कर पाए, उनमें अब नॉर्थईस्ट का नाम भी शामिल हो गया है। 11वीं बार विश्व क्रिकेट में ऐसा हुआ है। वही इंग्लैंड के लिए एक पारी में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले नॉर्थईस्ट तीसरे बल्लेबाज हैं। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा रविवार यानी कि आज की सुबह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को लेकर मैदान पर उतरेंगे। अमेरिका के यूजीन में चल रही विश्व एथलेटिक्स के फाइनल में वो स्वर्णिम निशाना लगाकर इतिहास रचना चाहेंगे। नीरज चोपड़ा अगर पदक जीत लेते हैं तो वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन जाएंगे। उनसे पहले महिलाओं में दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। लेजेंड लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इससे इस लीग का रोमांच और बढ़ने वाला है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि दूसरे सीजन में जैक्स कैलिस और डेल स्टेन जैसे दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट को पुरुष टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। ग्राम इसी साल अप्रैल में अफगानिस्तान के कोच नियुक्त किए गए थे, हालांकि वो किसी निजी कारण से टीम को ज्वाइन नहीं कर सके। ऐसे में अब ट्रॉट को हेड कोच नियुक्त किया गया है। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। मैच में भारतीय कप्तान शिखर धवन नर्वस 90 का शिकार बने। वो 7वीं बार 90 या उससे ज्यादा रन बनाने के बाद शतक लगाने से चुके हैं। वही श्रेयस अय्यर ने वनडे में अपने 1000 रन पूरे किए। शिखर धवन वनडे में सबसे ज्यादा बार नर्वस 90 का शिकार होने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बराबरी की है। धवन ने मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली समेत 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ा। गांगुली, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी वनडे में 6-6 बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा सम्मान मिला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के स्टेडियम का नाम रखा गया। लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम शनिवार को बदल दिया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंग्लैंड में किसी स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की अन्नू रानी कुछ खास नहीं कर सके। जेवलिन थ्रो के फाइनल में उनका सबसे बेहतरीन थ्रो 61.12 मीटर का रहा और वो 7वें स्थान पर रही। इसके साथ ही उनके पदक जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड किसके पास है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।